जीआईएस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। टेस्ट सीरीज है, यूनिट 4 से आज क्वेश्चन है। आप लोग जल्दी से कनेक्ट हो जाइए, फिर स्टार्ट करते हैं क्लास। कंसेप्चुअल पेपर है, बहुत पेशेंस के साथ करना है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीन पर है। विकलांग जन अधिनियम 1995 लागू हुआ था। चार विकल्प है हमारे पास, 7 फरवरी 1995 को, ऑप्शन बी 7 फरवरी 1996 को, और ऑप्शन सी है 7 फरवरी 1997 को, और ऑप्शन डी है 7 फरवरी 1998 को। तो इसका आंसर करें आप लोग। पहला क्वेश्चन है, विकलांग जन अधिनियम 1995 लागू हुआ था। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग और कनेक्ट हो जाइए। आंसर प्लीज। हाँ, भुवन जी बता रहे हैं आंसर भी, और पंकज जोशी भी बी बता रहे हैं, 7 फरवरी 1996 को लागू हुआ था। बिल्कुल राइट आंसर है, ध्यान में रखना है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दिसंबर 1995 में संसद द्वारा ये पारित हुआ था, और फिर 7 फरवरी 1996 को पूरे भारत में ये लागू हो गया था। इसमें 7 प्रकार की विकलांगता को शामिल किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 का निम्नलिखित में से क्या एक उद्देश्य नहीं है? तो पहला देखते हैं, विकलांग व्यक्तियों के खिलाफ होने वाले दुर्व्यवहार और शोषण को रोकना, ऑप्शन बी अक्षम व्यक्तियों के पुनर्वास, रोजगार, प्रशिक्षण, शिक्षण अथवा उनके संरक्षण को केवल केंद्र सरकार द्वारा जिम्मेदारी लेना और सुनिश्चित करना, ऑप्शन सी है विकलांग बालकों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ना, और ऑप्शन डी है ऐसी रणनीतियां बनाना जिससे अक्षम व्यक्तियों के लिए व्यापक कार्यक्रमों, सेवाओं और समान अवसरों को सुनिश्चित किया जा सके। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन की जो प्रकृति है वो पूछ रहा है कि पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 का निम्नलिखित में से क्या एक उद्देश्य नहीं है, और आंसर करें आप लोग, कनेक्ट हो जाइए। बहुत कम लोग अभी कनेक्ट हुए हैं। हाँ, सेकेंड क्वेश्चन का, वेरी गुड मॉर्निंग ममता जी। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर करें आप लोग, देखते हैं। देखो, बहुत ध्यान से पढ़ना है। विकलांग व्यक्तियों के खिलाफ होने वाले दुर्व्यवहार को रोकना था, ये उद्देश्य था 1995 का जो पीडब्ल्यूडी एक्ट है। दूसरा था अक्षम व्यक्तियों के पुनर्वास, रोजगार, प्रशिक्षण, शिक्षण अथवा उनके संरक्षण को केवल केंद्र सरकार द्वारा जिम्मेदारी लेना और सुनिश्चित करना, ये उद्देश्य नहीं था। ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को जिम्मेदारी लेना है और दोनों को अपनी अपनी जिम्मेदारी को सुनिश्चित करना है, तो इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 में विकलांगता को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया? 4 ऑप्शन हैं। पहला है ऑप्शन ए 7 प्रकार की विकलांगता, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 5। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3, आंसर प्लीज। हाँ, बिल्कुल राइट आंसर आप लोगों ने बताया है, 3 ए 7 प्रकार की विकलांगता को परिभाषित किया गया था पीडब्ल्यूडी 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकलांग जन अधिनियम 1995 में कुल कितने अध्याय हैं? और फैक्चुअल क्वेश्चन है, ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 21, और ऑप्शन डी 5। क्वेश्चन नंबर 4, आंसर प्लीज। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करें आप लोग, और हाँ, अजय मिश्रा जी भी बता रहे हैं और बिल्कुल राइट आंसर है, इसमें कुल 14 चैप्टर थे, तो हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित कथनों की जांच कीजिए तथा कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। 4 कथन है यहाँ पर और कूट दिए हुए हैं ए बी सी डी, तो कूटों की सहायता से उत्तर देना है। पहले हम कथनों को देखते हैं। कथन पहला है, समावेशी शिक्षा या एकीकरण के सिद्धांत की ऐतिहासिक जड़ें कनाडा और अमेरिका से जुड़ी हुई हैं। कथन बी,
असक्त बच्चों को सामान्य बच्चों से अलग करना ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। आप कथन थर्ड, समावेशी शिक्षा विशिष्ट शिक्षा का विकल्प नहीं है, समावेशी शिक्षा विशिष्ट शिक्षा का पूरक है, कॉम्प्लीमेंट है। कथन फोर, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में शारीरिक रूप से बाधित बालक सामान्य बालकों के साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं। अब कूट है, यहाँ पर कूटों की सहायता से उत्तर देना है। कूट ए, कथन 1, 2, 3 सही है। कूट बी, कथन 1, 2, 4 सही है। विकल्प तीसरा है, कथन 1, 3 और 4 सही है। और विकल्प डी है, उपरोक्त सभी कथन सही हैं। तो ध्यान से पढ़कर इसका उत्तर देना है। हाँ, बिल्कुल राइट आंसर आपने दिया है, कथन 1, 3 और 4 सही है। थोड़ा सा इस पे डिस्कस कर लेते हैं। जब हम देखते हैं तो समावेशी शिक्षा और एकीकरण सिद्धांत की ऐतिहासिक जड़ें कनाडा और अमेरिका से जुड़ी हैं। कथन 1 बिल्कुल सही है। असक्त बच्चों को सामान्य बच्चों से अलग करना ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके, तो कथन 2 गलत है। असक्त बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ रखकर ही उन्हें पढ़ाना समावेशन का अर्थ कहलाता है। तो इसका जो विकल्प सही होगा सी सही होगा, कथन 1, कथन 3 और कथन 4 सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, समावेशी शिक्षा का क्षेत्र है। विकल्प ए, शारीरिक रूप से बाधित बालक। ऑप्शन बी, मानसिक रूप से बाधित बालक। ऑप्शन सी, सामाजिक रूप से बाधित बालक या वंचित बालक। और ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। वेरी गुड मॉर्निंग भावना जोशी जी, गुड मॉर्निंग मीनाक्षी जी। और क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए आप लोग। और बिल्कुल राइट आंसर दिया आपने है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6 का डी होगा, क्योंकि जो समावेशी शिक्षा का क्षेत्र है इसमें शारीरिक रूप से वंचित बच्चों को भी शामिल किया जाता है, इनका अध्ययन किया जाता है। मानसिक रूप से जो मेंटल रिटायर्ड बालक होते हैं इनका अध्ययन भी समावेशी शिक्षा में किया जाता है। और सामाजिक रूप से जो वंचित बालक होते हैं, वंचना का शिकार होते हैं, इनका अध्ययन भी समावेशी शिक्षा में किया जाता है। और इस तरीके से इसका राइट आंसर डी होगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 से 5 हो गए हैं, जो टेक्निकल एरर की वजह से आपका जो फोल्डर था वो कनेक्ट नहीं हो पाया था, और अब दोबारा से कनेक्ट हुए हैं आप सब लोग। अब अच्छा लग रहा है। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, चलिए रिपीट करवा दूंगा, लेकिन उसके आंसर हैं इसलिए मैं जब क्लास खत्म होगी उसके बाद रिपीट कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक के जो क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव कीजिए। 4 विकल्प हैं हमारे पास। समावेशी शिक्षा के कारण व्यक्तिगत भिन्नताओं को बढ़ाने में मदद मिलती है। ऑप्शन बी, अक्षम बालकों को अलग से शिक्षा ग्रहण कराना समावेशन कहलाता है। ऑप्शन सी, समावेशी शिक्षा विभिन्न शिक्षाविदों, अध्यापकों, शिक्षण संस्थानों तथा माता पिता के व्यक्तिगत अभ्यास पर आधारित है। और ऑप्शन डी है, बच्चों में स्वस्थ दोस्ती का रिश्ता कायम करना तथा एक लघु समाज का निर्माण करना। करा देंगे, आप सब लोगों की रिक्वेस्ट मैंने मान ली है। जब ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे तो फिर क्वेश्चन नंबर 1 से 5 जो आपका छूटा है वो करा देंगे। हाँ, अभी आप क्वेश्चन नंबर 7 पर फोकस करें। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कुछ लोग सी बता रहे हैं, कुछ लोग डी बता रहे हैं, और जो लोग डी बता रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल राइट है, आंसर डी। अब इस पर थोड़ी सी डिस्कस करेंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ऑप्शन ए इसलिए गलत होता है, समावेशी शिक्षा के कारण व्यक्तिगत भिन्नताओं को बढ़ाने में मदद मिलती है। नहीं, समावेशी शिक्षा के कारण व्यक्तिगत भिन्नताओं को कम करने में मदद मिलती है, तो बढ़ाने की जगह अगर यहाँ पर एक कम कर लोगे तो ये हमारा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अब स्टेटमेंट बी पर नजर डालते हैं, फोकस करते हैं। अक्षम बालकों को अलग से शिक्षा ग्रहण कराना समावेशन कहलाता है। नहीं, अक्षम बालकों को सामान्य बालकों के साथ, सामान्य बालकों के साथ शिक्षा ग्रहण कराई जाती है, अलग से नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट सी, समावेशी शिक्षा विभिन्न शिक्षाविदों, अध्यापकों, शिक्षण संस्थानों तथा माता पिता के व्यक्तिगत अभ्यास पर आधारित है। नहीं, व्यक्तिगत अभ्यास पर नहीं है, ये सबका संयुक्त प्रयास है, संयुक्त प्रयास है, तभी समावेशी शिक्षा सफल हो पाएगी। जब शिक्षाविद, अध्यापक, माता पिता सब लोग संयुक्त रूप से प्रयास करेंगे
तो संयुक्त प्रयास पर ये आधारित है और इसलिए ये तीनों स्टेटमेंट गलत होते हैं। और जो विकल्प डी सही होता है, बच्चों में स्वस्थ दोस्ती का रिश्ता कायम करना, जहाँ पर बच्चे जो हैं, जो विकलांग बच्चे होते हैं, जब ये सामान्य बालकों के साथ दोस्ती करते हैं, उनसे प्रेरित होते हैं, तो इनके अंदर जो हीन भावना की कॉम्प्लेक्स, इंफीरियर कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। और इस तरीके से विकल्प हमारा डी राइट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में कौन सा एक समावेशी शिक्षा का सिद्धांत नहीं है? चार विकल्प हैं, वातावरण नियंत्रित पूर्ण होना, विकल्प बी भेदभाव रहित शिक्षा, विकल्प सी व्यक्तिगत रूप से शिक्षण, और ऑप्शन डी माता पिता का असहयोग। हाँ, बिल्कुल राइट बताया अपने, कंबाइंड अफोर्ड जरूरी होता है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए आप लोग। हाँ, बिल्कुल राइट आंसर दिया आपने लोगों ने, बहुत क्विकली दिया है। माता पिता का असहयोग, इस पर भी थोड़ी सी डिस्कस करते हैं, सिद्धांत नहीं है। वातावरण नियंत्रित होना चाहिए, और दूसरा है भेदभाव रहित शिक्षा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ये सिद्धांत है। व्यक्तिगत रूप से भी शिक्षण करा जाता है, जो विकलांग बच्चे होते हैं, हम मंद मानसिक रूप से मेंटल रिटायर्ड वाले होते हैं, इनके लिए अब हम इंडिविजुअली प्रयास करते हैं। और माता पिता का असहयोग, माता पिता का सहयोग की ज़रूरत होती है, तो इसलिए आप लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर चुना है, राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समावेशिता का अर्थ है, क्वेश्चन नंबर 9, कक्षा में सभी छात्रों को स्वीकार करना, विकल्प बी छात्रों के बीच क्षमता में अंतर को समझना, विकल्प सी बिना किसी सीमा के प्रत्येक छात्र को समान रूप से चुनौती देना, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो समावेशन का अर्थ यहाँ पर पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, और बिल्कुल राइट आंसर आप लोगों ने दिया है, राइट आंसर डी होगा, कक्षा में सभी छात्रों को स्वीकार करना समावेशन का अर्थ है। छात्रों के बीच क्षमता के अंतर को समझना भी है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती हैं, प्रत्येक बच्चे की अपनी अपनी रुचि रुझान पोटेंशियल एबिलिटीज होती हैं, उनको भी समझना है। बिना किसी सीमा के प्रत्येक छात्र को समान रूप से चुनौती देना है, चैलेंज डेवलप करना है, ये भी समावेशन का अर्थ होता है, तो विकल्प डी राइट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, समावेशी शिक्षण वातावरण सभी छात्रों को उनको उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है, उपरोक्त कथन का संबंध है या उपरोक्त डेफिनेशन किसने दी है? चार विकल्प हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन है, ऑप्शन ए मर्फी, ऑप्शन बी यूनेस्को, ऑप्शन सी रैन, ऑप्शन डी रसिल। तो चार विकल्प हैं, फिर से पढ़ते हैं। हाँ, बिल्कुल राइट आंसर आप लोगों ने दिया है, उपरोक्त डेफिनेशन मर्फी की है, और ये मर्फी ने परिभाषा दी थी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी डेफिनेशन है। समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जीवित प्राणी अपनी आवश्यकताओं और इन आवश्यकताओं की पुष्टि को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में एक संतुलन बनाए रखता है, उपरोक्त कथन है। चार विकल्प हैं, लॉरेंस एफ सोफर, ऑप्शन बी गार्डन, ऑप्शन सी लॉक, और ऑप्शन डी स्किनर। क्वेश्चन नंबर 11, हाँ 10A का आप लोगों ने राइट बताया, 10A है, मर्फी की डेफिनेशन थी। समावेशी शिक्षा वातावरण सभी छात्रों को उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है, और 11 का आंसर प्लीज। समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जीवित प्राणी अपनी आवश्यकताओं और इन आवश्यकताओं की पुष्टि को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में एक संतुलन बनाए रखने का प्रयास करता है, और बिल्कुल राइट आंसर आप लोगों ने दिया है, ये लॉरेंस और सोफर की डेफिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का गुण नहीं है? जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होगा उसका एक ट्रेट नहीं है, गुण नहीं है। पहला है संवेगात्मक स्थिरता, ऑप्शन बी सहनशीलता, ऑप्शन सी आत्मसम्मान की भावना की न्यूनता, और ऑप्शन डी है जीवन लक्ष्य का चुनाव। क्वेश्चन नंबर 12 आंसर प्लीज, लता जी 12C बता रही हैं, पूर्णिमा जी 12C बता रहे हैं, सिद्धेश्वर चौधरी जी 12C बता रहे हैं, राजेंद्र जी 12C बता रहे हैं, सभी लोगों ने सी बताया है, और बिल्कुल राइट आंसर है इसका सी। आत्मसम्मान की भावना की न्यूनता नहीं होनी चाहिए, जबकि अधिकता होनी चाहिए, तो इसका विकल्प सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंटल हेल्थ से है।
साइकोसिस है, साइकोसिस है एक मेंटल डिजीज है। चार विकल्प हैं, शारीरिक बीमारी, ऑप्शन बी गलत मानसिक दृष्टिकोण, ऑप्शन सी गंभीर भावात्मक असंतुलन और ऑप्शन डी आपराधिक मानसिकता। क्वेश्चन नंबर 13, आंसर प्लीज। साइकोसिस है एक मेंटल डिजीज है, हिंट दे रहे हैं आप लोगों के लिए। और पूर्णिमा चौहान जी डी बता रही हैं, सिद्धेश्वर चौधरी जी 13C बता रहे हैं, हर्ष जी 13 का सी बता रहे हैं और लता जी डी बता रही हैं। देखो जिन लोगों ने सी बताया है उनका राइट आंसर है साइकोसिस। एक गंभीर भावात्मक असंतुलन होता है, व्यक्ति जो है विचलित रहता है, मानसिक बीमारी है, जेनेटिक और वातावरणीय कारणों से व्यक्ति असंतुलित हो जाता है, डिप्रेशन की स्थिति होती है, तो 13 का सी है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं, ऑप्शन ए वंश परंपरा, ऑप्शन बी परिवार संबंधी कारक, ऑप्शन सी विद्यालय से संबंधित कारक और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14, हाँ आंसर आ रहे हैं डी 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 डी, बिल्कुल राइट आंसर आप लोगों ने बताया है, वंश परंपरा, परिवार संबंधी कारक। अगर माता पिता में तलाक की स्थिति है या अन्य झगड़े कलेश होते हैं, विद्यालय से संबंधित कारक, ये तीनों ही मानसिक स्वास्थ्य को बच्चे के प्रभावित करते हैं, तो इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 न्यूरोसिस है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूरोसिस से पूछा जाता है। ऑप्शन ए गलत मानसिक दृष्टिकोण से आया भावात्मक असंतुलन, ऑप्शन बी पागलपन, ऑप्शन सी जन्मजात मानसिक बाध्यता और ऑप्शन डी है अपराध प्रवृत्ति प्रवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 15, देखो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका निश्चित आएगा, जो हमने मेंटल डिजीज आपको लिखाई हैं वो मेंटल डिजीज से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और हाँ जो लोग ए बता रहे हैं, और ए बिल्कुल राइट आंसर है, गलत मानसिक दृष्टिकोण से आया भावात्मक असंतुलन। न्यूरोसिस में क्या होता है कि हमारे अंदर कोई डर, फोबिया इत्यादि बैठ जाता है, या हम डरने लगते हैं, या कंसेप्ट हमारा गलत हो जाता है, उससे धीरे धीरे हमारा जो न्यूरॉन्स होते हैं वो प्रभावित हो जाते हैं और हम भावात्मक रूप से असंतुलित हो जाते हैं। तो ये हमारा राइट आंसर होगा, गलत मानसिक दृष्टिकोण से आया भावात्मक असंतुलन। संवेगात्मक उथल पुथल होती है, आदमी को पसीना आने लगता है जब न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं, तो ये ध्यान में रखना है, न्यूरोसिस को न्यूरोन से रिलेट करना है। साइकोसिस जो है वो भी एक भावात्मक असंतुलन है। साइकोपैथ जो होते हैं वो अपराध प्रवृत्ति होती है, साइकोपैथ में अपराध प्रवृत्ति होती है, जो साइकोपैथ होते हैं ये अपराध प्रवृत्ति के होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जबकि पागलपन और मानसिक बीमारियों में अंतर अंतर होता है, पागलपन जो होता है वो गुणसूत्र के डिसबैलेंस इम्बैलेंसिटी की वजह से होता है, और ये पागलपन जन्मजात होता है, जबकि जो मनोरोग होते हैं ये एक जीवन में, एक विशेषकर 20 साल के बाद मनोवैज्ञानिकों का मानना है, ये मनोरोग जो है बाहर निकल कर आते हैं, तो ध्यान में रखना है, मनोरोग अलग कंसेप्ट होता है और पागलपन जो है अलग कंसेप्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 16 पर अब डिस्कस करते हैं, निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव कीजिए, चार विकल्प हैं हमारे पास। मानसिक कष्ट और व्याधियों से अपने को दूर रखने के लिए समायोजन आवश्यक है, ऑप्शन बी पागल पलायन करना, चुनौती देना जैसी कुप्रवृत्तियों को ना पनपने देने के लिए समायोजन आवश्यक है, ऑप्शन सी कक्षा में ध्यान व एकाग्रता बनाए रखने के लिए समायोजन आवश्यक है, और ऑप्शन डी उपरोक्त तो सभी कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 16, आंसर प्लीज। हाँ राइट राइट बिल्कुल राइट बताया है आप सभी लोगों ने, राइट डी होगा। समायोजन जो है, इस जो तीन विकल्प हैं, मानसिक कष्ट व्याधियों से अपने को दूर रखने के लिए समायोजन आवश्यक हो,